न्यूज़ में ऑलरेडी वायरल हो चुका है कि पायल मलिक को सब कुछ मालूम था, फिर भी उसने अरमान मलिक का साथ दिया और 11 साल की बच्ची का रेप किया यार। तो उन्होंने मतलब उसका पायल ने उसकी हेल्प करी। आप सोचिए, जो लड़की है उसके घर में काम करने आई थी, दो पैसे कमाने के लिए आई थी, उसके साथ रेप हुआ, इतनी गलत चीज़ हो रही है। मैं पहले भी कह चुका था और अभी फिर बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने खुलासा किया था कि पायल मलिक का एक बॉयफ्रेंड भी है। ये पूरी फैमिली बहुत गड़बड़ घोटाला फैमिली है यार, बहुत ठरकी फैमिली है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे धमकी दी, पायल मलिक के धमकी दे रहा है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, अभी भी कहता हूँ सबके सामने, कि तू, तेरा बाप, कोई भी फैजान अंसारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और जिस लड़की का रेप हुआ है, मैं हाथ जोड़ के उनसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ कि इस तरह की चीज़ आपके साथ किसी भी हिंदुस्तानी ने करी है, बहुत शर्म की बात है। और मैं आपका भाई बन के सामने आया हूँ। अगर आप मुझे देख रही हैं या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर दोस्त देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। अरमान मलिक ने जो आपके साथ गलत हरकत करी है, उसका केस का रीओपन मैंने कराया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मैं सुबह ही मिल के आया हूँ और उनको मैंने एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने रिसीविंग भी मुझे दे दी ऑलरेडी। और वो बोल रहे हैं कि मैं, वो मेरा सपोर्ट करेंगे। और इस तरह की घिनौनी हरकत में, आप सोशल मीडिया पर कमेंट देखिए, अगर बस चले ना किसी का भी, तो इस तरह की हरकत में सीधे फांसी होना चाहिए अरमान मलिक को। मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, एकनाथ शिंदे सर से रिक्वेस्ट है कि सर, इसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करे जाएं। और जो भी सबूत मिल रहे हैं, सबको मालूम है सबूत है, ऑलरेडी दिल्ली में उसके अगेंस्ट FIR हुई है और उसके जेल भी हुई थी, फिर वो बेल पे बाहर आया है। मेरे हिसाब से इसको जेल होना चाहिए, इसकी फैमिली भी साथ में जुड़ी हुई है। और 11 साल की बच्ची जिसने सही से दुनिया भी नहीं देखी थी, क्या बीती होगी उस पर, क्या बीती होगी उसके माँ बाप पे। और जिस जिसने ये खबर सुनी है, इतना ठरकी इंसान अरमान मलिक है कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता है। और जब वो किसी लड़की को ड्रग्स दे रहा है, इसका मतलब वो भी खुद भी ड्रग्स लेता है। तो आप सोचिए किस तरह का माहौल घर में है, दो दो बीवियों के साथ सो रहा है, इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में खराब कर रहा है। एक बीवी देख रही है कि दूसरे बीवी के साथ सो रहा है, मतलब बहुत गंदा माहौल करके रखा है। और अरमान मलिक जैसा इंसान थू करने लायक है। और बहुत शर्म आती है, बहुत शेम की बात है, बहुत शर्म की बात है कि अरमान मलिक हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। और यूट्यूबर पे भी कलंक है, इस देश पे कलंक है। अरमान मलिक को फांसी होना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। इस देश से जो मुझे दिख रहा है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और जिस लड़की का रेप हुआ है, कोई भी उसका लिंक मिले तो इंस्टाग्राम पर DM करिए प्लीज़ मुझे डायरेक्ट, और मैं उसका जवाब दूंगा। मैं डायरेक्ट अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ, बहुत लोग कॉल्स और मैसेजेस करते हैं, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। बट इंस्टाग्राम पे मुझे DM करिए, कोई भी कॉन्टैक्ट मिले उस लड़की का घर का एड्रेस, उसका नंबर दीजिए, मैं हेल्प करूंगा। अरमान मलिक को जेल के पीछे पहुंचा के दम लूंगा। थैंक यू सो मच।